गाइस कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल पैराटेमेटेनेट 7 स्किन की कंफर्म रिटर्न डेट क्या है। तो यार उस पर बहुत बंदों ने पूछा कि भाई वन पंच मैन एमेटेनेट 7 स्किन की भी कंफर्म रिटर्न डेट बता दो। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको वन पंच मैन एमेटेनेट 7 की 100% कंफर्म रिटर्न डेट बताने वाला हूँ विद प्रूफ। और गाइज आप सबको इतना तो पता ही होगा कि फ्री फायर का असासिन क्रीड के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसके बारे में यार मैंने आपको कल वाली वीडियो में डिटेल में बता दिया था, क्योंकि उसका इवेंट कैलेंडर निकल के आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो कल वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन गाइज असासिन क्रीड के बाद किसका कोलैबोरेशन होगा ये आपको पता है? नहीं पता होगा ना, चलो मैं बता देता हूँ। तो भाई देखो, पूमा के साथ असासिन क्रीड के बाद कोलैबोरेशन होगा फ्री फायर का। मतलब जो असासिन क्रीड का कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा ना, तो पूमा के साथ फ्री फायर का कोलैबोरेशन होने वाला है। और यार मैं तो कहता हूँ कि इन फ्री फायर वालों को ना एक बार पीएम मोदी जी के साथ कोलैबोरेशन जोर से कर लेना चाहिए, जिससे कि ये जो फ्री फायर बैन की ब्लॉक की न्यूज अफवाह उड़ रही है ना, ये ना उड़े। मेरा आइडिया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। okay. और यार आपको तो इतना पता ही होगा कि भाई पूमा एक बहुत बड़ा ब्रांड है क्लोथ्स का, जिसके हो सकता है कपड़े आपने पहने हो पूमा के, पैंट शर्ट ट्रैक सूट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पूमा के साथ जो है बहुत ही जल्दी कोलैबोरेशन होने वाला है फ्री फायर का। अब यार उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ फ्री रिवॉर्ड और आइटम्स निकल कर रहे हैं, जो कि गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में विद प्रूफ। सो वीडियो को पूरा देखते रहें। और गाइस आज के दिन ना फ्री फायर में बहुत ही ज़्यादा कस्टम मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री में, आप उन्हें अनलिमिटेड कैसे क्लेम कर सकते हो ये भी बताने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है वीडियो तगड़ी होने वाली है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो आप यहाँ पे सेवा ले रहे हो उसका आप दक्षिणा नहीं दे रहे हो। तो दक्षिणा बस इतनी सी है कि भाई लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करना, और बेल नोटिफिकेशन को भी सेट कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज आपको जो है फ्री में कस्टम मिल रहे हैं ना, ये कैसे मिलेंगे और ये आप इन्हें अनलिमिटेड कैसे क्लेम कर सकते हो ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लो कि आपको मिलेंगे कैसे कैसे। गाइस यहाँ पे क्राफ्टलैंड का कस्टम आपको मिलेगा तब जब आप अपने एक फ्रेंड के साथ कोई एक मैच खेल लोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 5 मैच खेलते हो तो आपको 2 वीपन रोल वाचो मिल जाएंगे। अगर आप 3 दिन यहाँ पे लगातार लॉग इन करते हो, जैसे आज ओपन किया फ्री फायर, कल करते हो, परसों करते हो, तो 3 दिन लगातार करने के बाद आपको ये वाला जो मतलब मेन कस्टम कार्ड है ना ये मिल जाएगा। और भाई देखो कस्टम ही ऐसी चीज़ है जो बंदे के पास जितनी हो ना उतनी ही कम है। बात तो सही है, बात से सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और यार मेरे पास तो कस्टम 13 पड़े हैं, आपके पास फिलहाल कितने पड़े हैं कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेन वाला कस्टम है हमें तब मिलेगा जब हम 3 दिन लॉग इन करेंगे, और ये जो 10 मैच खेलने पे हमें 2 डायमंड रोल वाउचर मिल रहे हैं। तो समझ लो यहाँ पे आइटम ठीक ठाक है और कस्टम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गाइस एक आईडी पे तो हम इन्हें एक एक ही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी गेस्ट आईडीज हैं, मतलब 10-15 गेस्ट आईडीज हैं, तो आप उनमें भी सेम प्रोसेस करिए। एक फ्रेंड बना लीजिए अपना और उसमें बीमा शक्ति में जाके ऊपर से कूद जाइए या एलिमिनेट हो जाइए कैसे करके, तो आपको क्राफ्टलैंड तो मिल ही जाएगा। एंड उसके बाद आपको पर डे लॉगिन कर लेना है अपनी गेस्ट आईडीज को, 2-3 दिन लॉगिन करने पर आपको ये मिल ही जाएगा मेन वाला कस्टम कार्ड। तो समझ लो कि आपके पास कितने सारे कस्टम कार्ड हो जाएंगे। मुझे पता है आपने इसके बारे में सोच लिया होगा, लेकिन कुछ बंदे जिनको मालूम नहीं होगा तो मैंने बता दिया। एंड मैं ऐसा करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 10-15 गेस्ट आईडीज हैं, तो यार मैं सब पे कस्टम लेने वाला हूँ और मज़ा भी आ जाता है। तो बस गाइज ये आपको बताना था इसके बारे में। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वाली जो ट्रिक अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई आप लोग यहाँ पे एक बंडल देख सकते हो जो कि यार बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर्वर में आने वाला है। आई थिंक ये मार्च में आएगा, तो किसी फेरिड व्हील इवेंट में या किसी वेब इवेंट में आपको देखने को मिल सकता है। तो यार देख ही सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। इस बंडल का नाम है स्ट्रैप्ड ट्रैप बंडल, ठीक है। बंडल कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसी के बाद में एक और यहाँ पे बंडल है जिसका नाम है हिप किड बंडल, जो कि गाइज आपको ओनली 200 या 300 डायमंड में मिल जाएगा, और ये बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर्वर में आने वाला है। तो आई थिंक ये आपको मार्च में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि फरवरी के महीने में बहुत ही कम इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, और ये वैसे भी एंड होने वाला है फरवरी का महीना। तो मार्च में आपको ओपी इवेंट देखने को मिलेंगे बंडल्स के रिगार्डिंग, और ये जो बंडल्स हैं या तो वेब इवेंट में आएंगे या फेरिड व्हील इवेंट में आने वाले। तो चलो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने पुमा और फ्री फायर के कोलैबोरेशन के बारे में। भाई देखो पुमा के साथ फ्री फायर का कोलैबोरेशन होगा, तो सिंपल सी बात है जो भी यार उस कोलैबोरेशन में आइटम्स आएंगे वो पुमा की ब्रांडिंग के होने वाले हैं। और पुमा किस टाइप का ब्रांड है? क्लोथिंग ब्रांड है। तो ज़्यादातर जो आइटम्स आएंगे ना वो क्लॉथ के ही आएंगे, जैसे कि बंडल्स हो गए, शूज़ हो गए, मतलब कई सारी चीज़ें जो कि क्लोथिंग से रिगार्डिंग हो, ठीक है, और उन सब पे पुमा की ब्रांडिंग होगी। अब भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ सोच के चलो, जैसे पुमा के साथ कोलैबोरेशन हुआ है तो यार सेम मैकलन के साथ फ्री फायर का कोलैबोरेशन हुआ था, और यार उस टाइम ना जो कार की स्किन थी उनमें एट्रीब्यूट्स आ गए थे। अब यार देखो पुमा के साथ फ्री फायर का कोलैबोरेशन होने वाला है, तो हो सकता है किसी बंडल में या क्लॉथ में एट्रीब्यूट्स आ जाएँ। मैं ओनली मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इमेजिन दैट अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना एक बार। अगर कपड़ों में बंडल्स में एट्रीब्यूट्स आ गए तो भाई बवाल ही मच जाएगा, और फ्री फायर वाले ऐसा कर भी सकते हैं। भाई पुमा एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। शूज़ बूज मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यार ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई आइटम्स
या कोई बंडल वंडल नहीं निकल के आए हैं, ओनली एक लॉबी स्किन निकल के आई है, वो आप लोग देख सकते हो। जो कि कैली ने यहाँ पे कुछ कपड़े पहन रखे हैं जिन पर यार पूमा की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे सीधा कंफर्म होता है कि पूमा के कुछ बंडल्स, सूट्स, शूज़ वूज आ सकते हैं और कई सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। वो तो यार तभी हमें पता लगेगा जब ये असैसिन क्रीड का जो कोलैबोरेशन है ख़त्म होगा, एंड यहाँ पे पूमा के कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग कुछ लीक्स निकल के आएंगी। अब यार देखो, लीक तो यहाँ पे निकल के आ रही थी मैकडोनाल्ड के साथ भी, लेकिन उसे मुझे लगता है कि पोस्टपोन कर दिया गया हो या बाद में कभी होता हो वो वाला कोलैबोरेशन, लेकिन अभी असैसिन क्रीड के बाद पूमा का ही हमें देखने को मिलने वाला है, ये तो कन्फर्म है, और देखते हैं क्या सीन होता है। और गाइस बहुत बंदे जो है ना अभी भी यार क्वेश्चन करते रहते हैं व्हाइट टी शर्ट को लेकर, पूछते रहते हैं कि भाई व्हाइट टी शर्ट कब आने वाली है, मतलब विंटर विस इवेंट निकल गया, वैलेंटाइन विस इवेंट निकल गया, उनमें तो व्हाइट टी शर्ट नहीं आई, क्योंकि यार बहुत यूट्यूबर ने बल्कि मैंने बताया था कि वैलेंटाइन विस इवेंट में व्हाइट टी शर्ट आएगी, लेकिन यार नहीं आई ना। तो अभी ये क्या सीन है इसका, व्हाइट टी शर्ट कब आने वाली है गेम में? तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी व्हाइट टी शर्ट को लेके कोई भी यार लीक्स नहीं निकल के आ रही है। पहले जो लीक्स आई थी यार वो तो गलत निकली, क्योंकि फ्री फायर वालों ने हो सकता है माइंड चेंज कर दिया हो, लेकिन गाइस अभी व्हाइट टी शर्ट को लेके कोई और लीक्स नहीं निकल के आ रही है। वैसे आप सभी को पता है फ्री फायर का क्या सीन चल रहा है ब्लॉक को लेके, तो वो जैसे क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपको नए नए तगड़े तगड़े इवेंट जो है फ्री फायर में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका कई सारी जो चीज़ें हैं पुरानी रेयर चीज़ें वो रिटर्न आ रही हैं, जो मैं समझ रहा हूं बंडल रिटर्न आ रहा है, अगर उसके बारे में आपको जानना है मैंने वीडियो बना दिए हैं, एंड कुछ इंक्यूबेटर भी रिटर्न आ रहे हैं, गन स्किन भी रिटर्न आ रही है, ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 रिटर्न आ रही है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बताई है, और अब वन पंच मैन एमिटेड 7 भी रिटर्न आ रही है। तो भाई देखो ना यहाँ पे जो इवेंट्स की ना बरसात होने वाली है, और व्हाइट टी शर्ट की अभी कोई लीक नहीं निकल के आ रही है कब ये रिटर्न आएगी, मतलब रिटर्न तो नहीं आएगी ना, मतलब कब गेम में आएगी, ठीक है? तो जैसे ही कोई लीक्स निकल के आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। एंड लेट्स गाइस अब बात कर लेते हैं अपने वन पंच मैन एमिटेड 7 स्किन की कन्फर्म रिटर्न डेट के बारे में, जिसके बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, और भाई करना भी चाहिए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है वन पंच मैन एमिटेड 7। बाकी यार आप लोग मुझे बताइएगा आप कितने दिन से वेट कर रहे हो वन पंच मैन एमिटेड 7 रिटर्न को लेकर। भाई देखो वन पंच मैन एमिटेड 7 जो है ना रिटर्न आने वाली थी, लेकिन जो है फ्री के साथ सीन हुआ है ना इसकी वजह से उसे भी शेड्यूल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहाँ पे सीन क्या है वन पंच मैन को लेके वो मैं आपको देता हूँ। भाई देखो वन पंच मैन एक कोलैबोरेशन का आइटम है, जो कि वन पंच मैन के साथ एमिटेड 7 जब आई थी ना, वन पंच मैन के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था उस टाइम पे आई थी, और जो वन पंच मैन वाली एमिटेड 7 है वो एक कोलैबोरेशन का आइटम है, तो ये रिटर्न आना तभी बनता है जब यार यहाँ पे वन पंच मैन के साथ फ्री फायर का रिकोलैबोरेशन होगा। और आपने देखा भी होगा मनी हाइस्ट के साथ फ्री फायर का कोलैबोरेशन हुआ था, तो जब ही वो आइटम्स रिटर्न आए थे जब फ्री फायर का दोबारा से मनी हाइस्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। और अगर फ्री फायर वाले यहाँ पे वन पंच मैन के साथ फिर से कोलैबोरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो वन पंच मैन है ना वो बिना कुछ कहे रिटर्न आएगी, मतलब अपने आप खुद चल के रिटर्न आएगी, क्योंकि भाई कोलैबोरेशन रिटर्न आया है तो कोलैबोरेशन के सारे आइटम रिटर्न आएंगे। लेकिन अब वन पंच मैन का साथ तो कोई कोलैबोरेशन नहीं होने वाला है ना दोबारा से, क्योंकि वन पंच मैन एक सीरीज थी जो कि अब एंड हो चुका है आई थिंक, मुझे तो भाई पता नहीं है, अगर आपने देखी है तो बता देना उसके बारे में कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि वन पंच मैन के साथ फिर से कोलैबोरेशन करेंगे फ्री फायर वाले, और वन पंच मैन एमिटेड 7 जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है यार फ्री फायर वाले उसे रिटर्न डाल दें। अब यार देखो रिटर्न अगर वो डालते हैं उनको एक तरीके से लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार एक कोलैबोरेशन ब्रांड के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, और यार वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है कि जो आपके आइटम्स हैं वो आपकी ब्रांडिंग के साथ हैं, एंड कई सारी चीज़ें भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो वन पंच मैन एमिटेड 7 एक कोलैबोरेशन का आइटम है, और जहाँ तक इसका हाई चांसेस लग रहे हैं ना ये तभी रिटर्न आएगा जब वन पंच मैन के साथ फिर से कोलैबोरेशन करेगा फ्री फायर। तो समझ लो कि यार वन पंच मैन रिटर्न आना जो है ना बहुत मुश्किल बात है, और अगर आए भी तो यार ये आपको अप्रैल के लास्ट में ही रिटर्न देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है, और ये आएगी भी तभी जब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी जो कि बढ़ रही है। तो यार देखो वन पंच मैन एमिटेड 7 को तो छोड़ो, क्योंकि वो आई थिंक आपको देखने को मिले या ना भी मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो ट्रॉपिकल पैरेट एमिटेड 7 है ना वो आपको बहुत ही जल्द रिटर्न देखने को मिलेगी गेम में। तो भाई आपके ऊपर है भाई आपको क्या निकालना है, वैसे कमेंट में बता देना आप ट्रॉपिकल पैरेट निकालोगे या वन पंच मैन एमिटेड 7 का वेट करोगे। तो बस गए आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।